What is your name? My name is Ona. Yay! Anu ma'am, what is your mother's name? Idu. Hello friends, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। ना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। आज सुबह कपड़े धोने के लिए दिया था तो ऑलमोस्ट सभी कपड़े सूख गए हैं, धूप ज़्यादा था आज तो। जल्दी से इन्हें मैं फोल्ड करके एग्जैक्ट जगह पर रख दूँगी। अगर दूसरे काम में मैं बिज़ी हो गई तो मेरी बेटी है वो एक एक करके कपड़े सब लेके भाग जाती है और पखरना और पूरा मेस लगता है, तो इसीलिए जल्दी से मैं ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले मुझे यही काम बहुत अच्छा लगता था, पर पता नहीं क्या हो गया है अभी एकदम अच्छा नहीं लगता। शायद कपड़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और रखने की जगह छोटी पड़ गई। और ये देखिए अचानक से इतनी ज़ोर की हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। मैं जल्दी से सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करके आ जाती हूँ। मुझे बारिश तो बहुत पसंद है, पर अगर ये बारिश के पहले हवा देना तो घर में बहुत धूल घुस जाता है और ऊपर से ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है कि उसको साफ़ करो। अगर बारिश के बाद ही ऐसी हवा चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऐसा तो होगा नहीं, उल्टा ही होता है। हवा थोड़ा कम हो जाए फिर मैं बाहर आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाहर का सिचुएशन कैसा है। तो अभी मैं फ्रेश होके दिया बाती करके बेटी को भी खिला दिया है। अभी मैं थोड़ा चाय और उसके साथ थोड़ा झालमुरी लेके बैठी हूँ। इस वेदर में ना कुछ चटपटा खाने का तो मन करता ही है। नॉर्मली शाम के टाइम मैं कुछ नहीं खाती, भूख भी नहीं लगता, स्पेशली ये गर्मी के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, सिर्फ मन करता है ठंडा पानी पीऊँ। और ठंडा पानी भी मैं अवॉइड ही करती हूँ, नहीं पीती, मुझे प्रॉब्लम होता है। पर आज का जो वेदर है उसमें चाय तो पीना मस्ट है। और ये देखिए हस्बैंड समोसा लेके आ गए हैं। यही होता है मेरे साथ, जिस दिन मैं कुछ नहीं खाती उस दिन कोई कुछ नहीं लाता। और आज देखिए जितना भी बोलूं पर इस वेदर के लिए समोसा बिल्कुल परफेक्ट है और ऊपर से चटनी, वाओ। पेट पूजा करके यहाँ हमारी थोड़ी सी मस्ती चल रही है, तो आप भी इंजॉय कीजिए। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर के प्रिपरेशन के लिए। फ्रिज में 2 दिन से बोनलेस चिकन पड़ा था तो क्या बनाऊँ क्या नहीं यही सोच रही थी। और कल जब खाना बना रही थी तब थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो मैंने सोचा ये काम मैंने अच्छा किया एक्चुअली, तो मैंने वो चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दिया था। सोचा जो भी करूँगी पहले मैरिनेट तो करना ही है, तो इसीलिए ये एक बड़ा काम मैंने करके रख दी थी। पहले सोचा चिली चिकन या मंचूरियन बना लूँगी और उसके साथ फ्राइड राइस, फिर सोचा ये बहुत हीवी हो जाएगा, फिर मैंने क्या किया एग चिकन रोल बना लिया। एक्चुअली रात को ना ज़्यादा हीवी खाना अच्छा नहीं लगता, बहुत इरिटेशन होता है, और लंच में तो ये खा नहीं सकते, तो इसीलिए अभी बनाना था और वेदर भी अच्छा था इसीलिए सोचा कि चलो ठीक है बना लेती हूँ। यहाँ मैंने क्या क्या मसाला यूज़ किया है इफ़ यू वॉन्ट टू नो देन प्लीज़ गो थ्रू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ मैंने पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है।
हमारा डिनर तो बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले एक लाइक प्लीज़ कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।